आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कृषि कानूनों के विरोध में बैठे किसानों की। कृषि कानूनों के विरोध में टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के पक्की ईंटों के घर बनाए जाने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई किसान पक्की ईंटों के मकान और पानी के लिए बोरवेल बनाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहादुरगढ़ के SDM में संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुलाकात की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने धरने पर बिजली, पीने के पानी और सफाई की व्यवस्था करने की मांग की है। प्रशासन ने किसान मोर्चे के पदाधिकारियों को इन मांगों को लेकर के आश्वासन दिया तो संयुक्त मोर्चा ने टीकरी बॉर्डर पर पक्का निर्माण नहीं करने की भी बात कही। तो हम आपको बताएं कि किसान आंदोलन पिछले काफी लंबे समय से चल रहा है और इस बीच टीकरी बॉर्डर पर और सिंगू बॉर्डर पर किसान पक्का निर्माण करने लगे थे। इसी को लेकर के प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है, चेतावनी दी है किसानों को कि कोई भी पक्का निर्माण नहीं करेगा, अगर पक्का निर्माण किया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। SDM से संयुक्त किसान मोर्चा मिला भी और उन्होंने और सुविधाएं किसानों को देने की बात कही। साथ के साथ ये भी आश्वासन दिया कि और सुविधाएं अगर दी जाएंगी तो फिर पक्के निर्माण नहीं किए जाएंगे। पंचकुला से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर एक बच्चे के साथ छेड़छाड़ हुई है और छेड़छाड़ जैसी ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ हम आपको बताएं कि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पक्के निर्माण बनाए जा रहे हैं, सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। ऐसे में अब प्रशासन की ओर से सख्त चेतावनी इन किसानों को दे दी गई है कि कोई भी पक्के निर्माण न किए जाएं, अगर पक्के निर्माण किए गए तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद SDM से संयुक्त किसान मोर्चा मिला